हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अर्थात कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है उसका हम नाम कैसे लिखते हैं IUPAC की अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं इसके रूल क्या है नाम लिखने के। ठीक है, तो बहुत सिंपल लेक्चर होने वाला है, बस देखते रहिए। बड़ा पहला रूल ये है, हेडिंग है आपका IUPAC नाम लिखने के नियम, और पहला जो रूल है वो है लंबी या सीधी चैन का चुनाव। ठीक है, आपके लिए कोई भी एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक चैन फॉर्म में दी होगी, तो देखना है हमें लंबी चैन कौन सी है, उसका हमें चुनाव करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो इन चीज़ों को जरा। देखो जैसे लिखा हुआ है CH3CH और यहाँ पे CH, यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 और CH3 और यहाँ लिखा हुआ है CH3। समझ में आ रहा है बेटा ये चीज़? ठीक है, तुमको सर जी ये क्या याद कर लिख रहे हो? आपको बेटा याद नहीं करना है, अपने लिखने लिखने आ जाता है, अपने आप लिखने आता है। देखो कैसे मैंने इस चीज़ को लिखा है, देखो बेटा जैसे मैंने, देखो 1 2 3 4 कितने भी सी लगा दो, कहीं पर भी एक सी लगा दो, यहाँ सी लगा दिया मैंने। समझ में आ रहा है? कार्बन संयुक्ता कितनी होती है? 4 होती है ना, तो यहाँ पर देखो एक संयुक्त यहाँ कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4। ठीक है, H 1 2 3 संयुक्ता कंप्लीट हो रही है, 1 4। यहाँ देखो 1 और 2 संयुक्ता कंप्लीट हो रही है, 3 और 1 4। यहाँ संयुक्ता 1 हो रही है, 3 1 मतलब 2 3 4। यहाँ H और H लगा दो, यहाँ कार्बन हमने लगा दिया था एक और अभी। ठीक है, तो इस कार्बन संयुक्ता कितनी है बेटा? देखो 1 2 3 4, तो यहाँ H लगाओ, यहाँ H लगाओ, यहाँ H लगाओ। समझ में आ रही बात? तो कहीं पर भी हम कार्बन फिट करते हैं, संयुक्ता कंप्लीट करते हैं, कंपाउंड बन जाता है, तो इसको हम लिखते कहते हैं CH3 CH3। फिर क्या है बेटा? CH CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। इस प्रकार हम कंपाउंड कोई भी लिख सकते हैं, कोई सा भी कंपाउंड हम लिख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, देखो बेटा ऐसे, देखो 1 2 3 4 5 और 6 माने मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखो बेटा 6 नहीं है, चलो यहाँ पर 4 ही रहने दो। ठीक है बेटा 1 2 3 4। ठीक है, और फिर देखो 1 2 और मैंने यहाँ ऐसा कर दिया। ठीक है, कोई सी चैन कहीं पर बना सकते हो। अब इसकी क्या सी जो तक कंप्लीट कर दो, यहाँ पे एच कितने लगानी है? 3 1 2 3, तो CH3। यहाँ पे एच कितने लगानी है? 3 CH3। यहाँ एच कितने लगाए? 3 CH3। इन्हीं से तक कंप्लीट हो गई, और बाकी यहाँ देखो कितने बेटा 1 और 2 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2H लगा दो। नहीं नहीं 2 बॉन्ड कहाँ यार, 3 बॉन्ड हो रहा है। देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 1H लगा दो। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 और 2 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2H लगा दो। ठीक है, यहाँ तो है ही है। यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे CH2 लगा दो। ठीक है, यहाँ पर 1 2 बॉन्ड हो रहे हैं, तो CH2 लगा दो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार हम कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी जनरली कंपाउंड आप ऐसे बना लेना। समझ में आ रही बात? अब देखो बेटा, हम देखते हैं कि हम कैसे चुनाव करें चैन का। सबसे पहले आपको चैन का चुनाव करना आना चाहिए। चुनाव कैसे करते हैं देखो, हम देखते हैं कि सबसे लंबी चैन कौन सी है। ठीक है, सीधी और लंबी चैन, सीधी मिल जाए तो अच्छी बात है, सीधी नहीं मिल रही है तो लंबी पे फोकस करते हैं। देखो भैया कहीं देखने उखने जाते हैं तो देखते हैं, सबसे पहली बात हमें सीधी सादी अच्छी सी मिले। ठीक है, और अच्छी मिले उसका ये भी देखते हैं लंबी मिले। ठीक है, और हमारी सीधी सादी ना मिल रही है बेटा, तो लंबी पर ध्यान दे देना, लंबी मिलनी चाहिए, चाहे सीधी हो चाहे टेढ़ी हो कैसी हो, लंबी मिलनी चाहिए, लंबी पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीधी सादी देखते हैं बेटा। देखो सीधी सादी किधर है? देखो यहाँ पर, देखो बेटा ये है सीधी सादी चैन। देखो बेटा सीधी चैन है, और ये देखो ये कैसी है? टेढ़ी चैन है। ठीक है, तो ये सीधी सादी है तो बढ़िया बात है, लंबी है तो डबल बढ़िया बात है, तो ये चुनाव हमारा सही है, हमें चुनाव करना आना चाहिए। चुनाव करना आ गया बेटा, सिर्फ चुनाव करना सिखा रहा हूँ, उसका नाम करना तो भी सिखाऊंगा ना। चुनाव करना आ गया, हमें क्या चुनाव करना है? जो लंबी चैन हो और सीधी हो। ठीक है, लंबी को पहले ध्यान देना, लंबी सीधी और लंबी दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और बेटा अगर सीधी नहीं मिल रही है तो लंबी तो देख ही लेना आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर देखो बेटा, अच्छा कार्बन काउंट कर लो कितने थे, 1 2 3 4 कार्बन की चैन है, और देखो ये कितनी बेटा, 1 और 2 कार्बन की चैन है, तो 4 कार्बन की चैन अच्छी होती है, लंबी होती है, लंबी पर ध्यान देना होता है पहली बात। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लो बेटा, देखो यहाँ पे 1 2, देखो यहाँ पर देखो बेटा 1 2 3 4 कार्बन आ रहा है, इधर को हम अपनी चैन इधर को देख रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहा है। ठीक है, अच्छा नीचे को देख लो बेटा, बेटा देखो 1 2 3 4 यहाँ 5, अगर हम ये चैन का चुनाव कर रहे हैं ये वाली चैन का, तो 5 कार्बन आ रहा है, तो ये वाली लंबी चैन है, ये वाली चैन हमारी
बढ़िया लग रही है, सीधी साड़ी तो नहीं है बेटा लेकिन लंबी मिल गई है, तो ये वाला हम चुनाव अच्छा नहीं मानेंगे, इस वाले हम चुनाव को ज़्यादा बढ़ियाता देंगे। समझ में आ रहा है चैन का चुनाव कैसे करना है? चैन हमें लंबी वाली चाहिए, लंबी चैन का चुनाव करना सीख लो। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। और जो चीज़ हम चैन से छोड़ देते हैं, हमारी मुख्य चैन कौन सी हो गई? ये हमारी मुख्य चैन हो गई, ये हमारी मुख्य चैन होगी जिसका हमने चुनाव किया है, ठीक है। और जो चैन हमारी छूट जाती है उसको बोलते हैं साइड चैन। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी साइड चैन। क्या कहलाएगी बेटा? ये साइड चैन, हिंदी में कहते हैं इसको श्रृंखला वाली शाखा, ठीक है, श्रृंखलित शाखा, इंग्लिश में देखो यार साइड चैन। अब यहाँ पर ये हमारी मुख्य चैन है, तो ये क्या है? ये है साइड चैन। ये क्या है? साइड चैन, ठीक है। समझ में आ रही बात? क्लियर है बेटा? और देखो, अगर साइड चैन के रूप में यदि साइड चैन बेटा CH3 साइड चैन हो, इसको बोलते हैं मैथिल। क्या बोलते हैं? मैथिल। देखो मैथ तो जानती हूँ, मैथ मैथ है तो आप बाईएल लगा दो, मैथिल हो जाता है। साइड चैन अगर है कहीं तो बेटा बाईएल लगानी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा है बेटा CH2CH3, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं? एथिल, ठीक है। और कहीं लिखा हुआ है CH3CH2 और CH2, ठीक है, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH3 होगा, ठीक है बेटा। देखो 1 2 3 कार्बन हो गए, तो मेथ एथ प्रोप, क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इसको? प्रोप, प्रोप बाई एल लगा दो, प्रोपिल। अगर कहीं लिखा हुआ हो बेटा देखो CH3 CH2 CH2 CH2, कार्बन काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या बोलते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या कहेंगे इसको बेटा? ब्यूटिल। क्या कहेंगे? ब्यूटिल। साइड चैन के नाम लिखना, समझ में आ गया? साइड चैन में एक कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम, एक कार्बन क्या बोलते हैं? मैथिल। दो कार्बन है साइड चेन में तो क्या बोलेंगे? एथिल। और तीन कार्बन है तो देखो मैथिल एथिल मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट आयु होते हैं ना, इसमें हमें अब बाई एल लगा देना है अगर साइड चेन के रूप में है तब, ठीक है। अब जैसे इसका नामकरण करना है, इसका नामकरण करना है तो सबसे पहले देखते हैं साइड चेन क्या होती है। देखो अभी सारे रूल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी नामकरण अच्छा समझ में नहीं आया, रूल तो काफ़ी है ना, पहला रूल समझा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो खाली समझने की कोशिश करो जितना समझा रहा हूँ बेटा। देखो अब इसमें क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ये हमारी मुख्य चैन होगी, ठीक है। ये क्या है? साइड चैन। साइड चैन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो साइड चैन क्या है? साइड चैन है हमारा मैथिल। क्या है इसका नाम? क्या हो जाएगा बेटा? मैथिल। क्या नाम हो गया इसका? मैथिल, ठीक है। सारे जोड़ के लिखते हैं लेकिन जोड़ने तो तुम यहाँ पर डैश लगा दो हल्का, मैथिल। इसका नाम मैथिल लिख गया, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या बोलते हैं? देखो 4 के लिए बेटा C1 के लिए बोलते हैं, C1 के लिए बोलते हैं मैथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए देखो मैथ एथ प्रोब, और C4 के लिए बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? मैथिल, उसके बाद ब्यूट। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है एन, समझ में आ रहा है बेटा? किसका क्या नाम हो गया? मैथिल ब्यूटेन। अच्छा मैथिल ग्रुप कितने नंबर लगा हुआ है? 2 नंबर लगा हुआ है, तो लिख सकते हैं 2-methyl-butane। 2 का मतलब ये हो 2 नंबर पर लगा हुआ है, ठीक है। तो एकदम तो समझ में नहीं आएंगे बेटा UPSC, लेकिन आपको खाली इतनी बात यहाँ समझनी होगी कि अगर कोई भी साइड चेन दी हुई है, मतलब कोई भी यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, कोई भी चैन दी हुई है, तो सबसे पहले हम सीधी सादी और लंबी पे ध्यान देते हैं। सीधी सादी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम लंबी पे से ही काम चला लेते हैं। समझ में आ रही है बात बेटा? तो साइड चैन का आप चुनाव करना सीख गए, हाँ। अच्छा इसका भी नाम लिखना चाहोगे? लिख लो बेटा नाम, छोड़ दिखा दे रहे हैं तुम लोगों के लिए, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। देखो ये हमारी मुख्य चैन हो गई, ये क्या हो गई? यहाँ से आता है मुख्य चैन हो गई, ये साइड चैन। साइड चैन के नाम सर पर लिखते हैं तो क्या होगा? मेथ और एथ, दो है ना, तो क्या होगा? एथ, ठीक है बेटा। एथिल, एथिल हो जाएगा। कितने नंबर पे लगा हुआ है एथिल? देखो ये पूरा ग्रुप इतना कितने नंबर लगा हुआ है? 2 नंबर पे, तो 2-ethyl, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा यहाँ देखो चैन, देख लो चैन में कितने? 5 हैं, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है, पेंट, ठीक है, पेंट सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो पेंटेन, समझ में आया? 2-ethyl-pentane इसका नाम हो गया। समझ में आ रहा है कैसे हमने नाम रखा बेटा इन चीज़ों का, ठीक है।
तो इसका बेटा दो, सबसे पहले इसका रूल लिख लो, रूल नंबर 1, सीधी एवं लंबी चेन का चुनाव, है ना। तो लिखेंगे बेटा इसमें, लिखेंगे बेटा साइड चेन, नहीं साइड चेन नहीं, ये देखो बेटा सबसे पहले हम सीधी एवं लंबी, सीधी एवं लंबी चैन का चुनाव करते हैं, चैन का चुनाव करते हैं, चुनाव करते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है, समझ में आई बात। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधी और लंबी चैन का चुनाव करते हैं। यह बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों के लिए, पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करना है, देखो सेकंड पॉइंट लिखेंगे यदि सीधी लाइन छोटी हो, लाइन नहीं बेटा चैन, ठीक है, यदि टेढ़ी वाली चैन लंबी है तो हम उसी को चुन लेते हैं, तो हम उसी को मुख चैन के रूप में चुन लेते हैं, ठीक है। देखो बात यह है, लंबी पर ध्यान देना है, सीधी साधी चैन है तो जो सीधी साधी हो चाहे टाढ़ी हो, मतलब नहीं रखना है, खाली हमें ध्यान है हमें लंबी चैन का चुनाव करना होता है। पहली बात, लंबी चैन का चुनाव करते ही फिर हम क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, अंकन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अंकन करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया बेटा। ये सब नोट कर लो फटाफट, जल्दी से छापो, छप गया। उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, देखो मैं आपको बताऊं, जितना मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये आपको याद थोड़ा करना है यार, सब आप सीख जाएंगे वीडियो पढ़ते पढ़ते, बिल्कुल सब रट्टा हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों के लिए। बस इसलिए लिखवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा याद रहे, बाई चांस भूल जाओ आप तो देख लोगे आप, ठीक है, कि क्या क्या रूल होते हैं यूपीएससी नाम लिखने, आप सब कुछ सीख जाओगे अपने आप इसमें, है ना। यदि नेक्स्ट पॉइंट लिखें बेटा, सैड चैन का नाम लिखने के बाद शेष चैन का नाम लिखा जाता है। समझ में आई बात बेटा, या समझ में आई। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सैड चैन जो भी दी हुई है उसका नाम लिख देते हैं, उसका जो भी बचता है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। पॉइंट क्लियर, अभी मैंने आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ, ये बात तो मैं आपके लिए, ठीक है। चलो ये पहले जो पहला हमारा था, जो पहला हमारा पॉइंट था लंबी चैन का चुनाव, उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे अब तक, ठीक है। और हाँ एक बात और भी बेटा, अगर साइड चैन बहुत सारी दी हुई हो, दो साइड चैन दी हुई, तो नाम कैसे लिखते हैं, तो हम ABCD लगाते हैं वहाँ पे, ABCD के अकॉर्डिंग। मैं इस चीज़ को समझाता हूँ बेटा, ठीक है। देखो बेटा, यदि दो साइड चैन दी हुई हो तब क्या करना है हमारे लिए, ठीक है। देखो बेटा, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसा बना दूं आपके लिए, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक साइड चैन में यहाँ लगा दूं, और एक साइड चैन मान लीजिए मैं आपके लिए यहाँ लगा देता हूँ, ये साइड चैन मैंने दो बना दी, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा CH3 CH2 CN, यहाँ पे CH हो जाएगा, CH2 यहाँ पे भी CH होगा, यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर मैं सी एच थ्री फिट कर रहा हूँ, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच टू, हमारी ये कोई चैन है। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे लंबी चैन कौन सी है, सब पहले बात नाम लिखना है। तो बेटा देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा एक दो तीन चार पाँच छः, समझ में आ रही है बात। और इधर से देखो बेटा एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे भी छः आ रहा है और इधर को भी छः आ रहा है। तो हमें अगर सीधी सादी मिल रही है, सीधी सादी मिल रही है, लंबी मिल रही है, तो हम इस पर ध्यान क्यों देंगे टेढ़ी टाढ़ी वाली मरखनी यहाँ पर, सीधी सादी पर ध्यान देंगे, सीधी सादी और लंबी पर। तो बेटा ये वाली चैन अच्छी मानी जाएगी, यहाँ पर सीधी सादी और लंबी चैन का हम चुनाव करते हैं तो ये हमारी मुख्य चैन हो गई, समझ में आ रहा है। ये क्या हो गई, ये साइड चैन के रूप में हो गई, साइड चैन। और ये क्या हो गया, ये पूरा, ये भी यहाँ पर साइड चैन के रूप में हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड चैनों का नाम लिखते हैं आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले, ठीक है। मतलब इस चैन मुख्य चैन का नाम लिखने से पहले हम साइड चैन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो साइड चैन है, साइड चैन के नाम देखते हैं क्या क्या है बेटा। यहाँ पर देखो मेथ है तो इसका नाम क्या है, मैथिल है। इस साइड चैन का नाम क्या है, मैथिल है। और इस वाली साइड चैन का नाम क्या है, मेथ और एथिल है। दो साइड चैन है, मैथिल और एथिल, ठीक है। अब किसका नाम कैसे लिखा जाएगा बेटा, आपको ए बी सी डी याद होंगी, तो ए बी सी डी में जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है उसमें बेटा जो पहले चीज आती है उस साइड चैन का नाम पहले लिखते हैं और जो बाद में आती है उसका नाम बाद में लिखते हैं। तो ए बी सी डी में ई पहले आती है तो पहले लिखेंगे एथिल, और एथिल कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो फोर एथिल, फोर एथिल। उसके बाद मेथिल का नाम लिखेंगे, मेथिल कौन से पे है, दो नंबर पे, टू मेथिल, फोर एथिल टू मेथिल। उसके बाद देखो बेटा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैक्स, हैक्स सिंगल बॉन्ड है, इन हैक्सीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। तो मैं आपके ये बताना चाह रहा था बेटा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर साइड चैन दो या दो से अधिक दी हो तब उनका नामकरण हम अंग्रेजी के वर्णमाला के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, यदि यदि साइड चैन, यदि साइड चैन एक से अधिक है, एक से अधिक है, तब हम उनका नाम इंग्लिश के वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। तब उनका नाम हम अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। बात समझ में आई बेटा, तो ये पॉइंट लिखिएगा और ये आप नोट कर लीजिएगा इतना, ठीक है। तो ये था पहला नियम जिसका नाम है लंबी चैन का नियम, उसमें सारे पॉइंट बताए तो नोट करो। अब हम बताएंगे बेटा द्विबंध व त्रिबंध का नियम, ठीक है। तो बस एक दो रूल और हैं, एक रूल और है, उसके बाद हम नामकरण आपके लिए सिखाएंगे, ठीक है। तो दूसरा रूल है बेटा द्विबंध या त्रिबंध का नियम, इसको नोट करो। द्विबंध या त्रिबंध का नियम बच्चों, मजा आ रहा हो तो लाइक ठोक दियो, समझे कि नहीं। देखते हैं रूल नंबर टू। तो बेटा दूसरा रूल क्या है हमारा, दूसरा रूल है डबल या ट्रिपल बॉन्ड का नियम, ठीक है बेटा। द्विबंध, द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध व त्रिबंध लिखो बेटा, द्विबंध व त्रिबंध। का नियम डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का नियम, ठीक है। तो बेटा ये रूल ये है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तब काउंटिंग इस प्रकार करते हैं कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिलना चाहिए। इस चीज को समझो बेटा, बोर्ड पर देखो बेटा, देखो छह कार्बन मान लो, चलो चार पांच कार्बन मान लो, कितने बन गए, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है बेटा। छः कार्बन मैंने बना लिए हैं, अब डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दो, एक जगह लगा दो बेटा। मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है, ठीक है, तो इसका तो कंपाउंड बना दो, चलो सी एच थ्री
CH2, ठीक है, और यहाँ पे CH3, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो बेटा, बॉन्डिंग देखो इनकी सबकी, यहाँ ध्यान समझेंगे, यहाँ कार्बन के देखो एक दो तीन बॉन्ड हो रहे हैं, एक H और लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे भी एक H लगा दो, अब सही है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे सारे बॉन्ड बराबर बराबर बनेंगे, आप सही से बनाना है अच्छे से। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, यहाँ सिंगल बॉन्ड 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 है। अब हमें चैन का चुनाव करते समय, काउंटिंग करते समय ये ध्यान देना होगा कि जो हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है उसे कम से कम अंक मिलना चाहिए, ठीक है। आपको देखो बेटा सब कुछ याद हो जाएगा अपने आप, चिंता नहीं करनी है, बस समझते रहो जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इधर से काउंटिंग करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, इस प्रकार से काउंटिंग करते हैं तो ये गलत काउंटिंग मानी जाएगी। कारण क्या है गलत मानने का? कारण ये है कि जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको चार अंक मिल रहा है, चार अंक मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको अधिक अंक मिल रहे हैं, लेकिन हम काउंटिंग इस प्रकार करेंगे जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको कम से कम अंक मिलने चाहिए, ठीक है। चलो अगर हम ये चैन को इधर से चुनते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो बेटा देखो एक दो तीन चार पाँच छः, तो ये हमारी सही मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे दो अंक मिल रहा है, तो ये बेटा क्या है, यहाँ पे कम अंक मिल रहे हैं, कम अंक मिल रहे हैं, तो कम अंक वाला सही है। बात समझ में आई? हमें काउंटिंग करते समय इस प्रकार से अंकन करना होता है कि जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए, या जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसका IUPAC नाम देखते हैं बेटा, नाम क्या होगा इसका देखते हैं बेटा हम, IUPAC नेम। अभी तो रूल चल रहे हैं, IUPAC नाम बहुत कराऊंगा आप लोगों के लिए, भी तो रूल करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। IUPAC नाम देखते हैं कैसे रखा जाएगा बेटा इसका नाम। देखो बेटा, देखो छः कार्बन है तो छः के लिए बोलते हैं हैक्स, क्या बोलते हैं हैक्स, छः के लिए क्या बोलते हैं बेटा हैक्स, क्या बोलते हैं HEX, हैक्स, ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड सभी में होते हैं तो उसको बोलते हैं हेक्सेन, क्या बोलते हैं उसको हम, हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है बेटा, एन, मैं लिखवाया आप लोगों के लिए। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं ईन, डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं ईन, अगर डबल बॉन्ड तो क्या बोलेंगे ईन, और डबल बॉन्ड कितने नंबर पर लगा हुआ है, टू नंबर पर लगा हुआ है, तो उसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन टू, समझ में आ रहा है, हेक्सेन टू इसका नाम हो जाएगा बेटा, क्लियर समझ में आ गया। जहाँ एन था, एन के क्या लगाना है, अब इन लगाना है, और इन कौन से नंबर पे है, टू नंबर पे इन लगा हुआ है, हेक्सेन, ठीक है। या तुम इसका नाम ऐसे लिख सकते हो बेटा, देखो ऐसे लिख सकते हो हेक्सेन, हेक्सेन, और फिर लिख सकते हो टू इन, हेक्सेन टू इन, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन बेटा ना NCERT बुक में अपना ऐसा दिया हुआ है तो ये वाला ज़्यादा उचित माना जाएगा, जैसे बुक में दिया है वैसे, ठीक है, हेक्सेन टू। और देख लो एक आध बेटा, चलो देखते हैं एक आध और, देखो जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल ये हो गया। देखो बेटा अगर पांच कार्बन ले लो, चलो पांच कार्बन ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे हम जो ट्रिपल बॉन्ड लगाए थे, इस बार डबल नहीं ट्रिपल लगाते हैं, ठीक है, लगा दें ट्रिपल। चलो देखो अब काउंटिंग करते हैं बेटा, देखो एक दो तीन चार पाँच, अरे गुरुजी काउंटिंग तो कर लेंगे, पहले H तो लगा लो, लगा दिया, चलो CH3, CH2, ठीक है, समझ में आई बात। देखो यहाँ कार्बन की देखो बेटा, एक दो तीन चार बॉन्ड कंप्लीट हो गए, एक दो तीन और चार बॉन्ड कंप्लीट हो गए, यहाँ कार्बन के देखो चार बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा इसका, ठीक है। अब बेटा काउंटिंग देखते हैं, एक तो काउंटिंग ये हो गई, ये काउंटिंग हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ट्रिपल बॉन्ड के लिए दो अंक मिल रहे हैं, ठीक है, और तो ये सही मानी जाएगी क्योंकि कम अंक मिल रहे हैं। इधर से काउंटिंग करते तो क्या होता, देखो इधर से काउंटिंग करते तो एक दो तीन चार, यहाँ पे देखो बेटा तीन अंक, चार या पाँच, तो यहाँ पे देखो बेटा तीन अंक मिलते जो कि अधिक है, तो ये काउंटिंग गलत मानी जाएगी, ये वाली काउंटिंग सही है, समझ में आ रहा है। अब देखो उसका नाम कैसे आएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। देखो बेटा सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आयन, ठीक है, तो पेंटाइन, पेंटाइन थ्री, समझ में आया, पेंटाइन थ्री,
या इसको हम लिख सकते हैं पेंटेन थ्री आयन, ये भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा जाना चाहिए अभी, ठीक है। दोनों तरीके सही हैं लिखे जाने के। तो समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के लिए कैसे नामकरण करना है, क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों के लिए बेटा? तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड होता तो क्या लिखते हैं हम, आयन की जगह क्या लिखते हैं हम, ईन, पेंटीन। अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या लिखते हैं बेटा, पेंटीन, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा क्रियात्मक समूह का नामकरण करना, कि क्रियात्मक समूह का नामकरण कैसे किया जाता है, लास्ट है अपना, ठीक है। उसके बाद जो है IUPAC हम धड़ाधड़ आपके लिए खूब ज़्यादा से लिखवाएंगे, ओके। क्रियात्मक समूह का अच्छे देख लें, पहले देख लें टाइम कितना हो रहा है, कहीं ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया तो बेहोश हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। चलो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं हुआ, अभी हो जाएगा क्लियर। ये अब हटीना लेंगे क्रियात्मक समूह का नामकरण करना, ठीक है बेटा। क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण करना, ठीक है। देखो तीसरा अपने नेक्स्ट है बेटा क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण, ठीक है। ठीक है बेटा, देखेंगे बेटा इसके अगर क्रियात्मक समूह दिया हो तो नामकरण कैसे करना है, लास्ट है ये अपना नियम, ठीक है। देखो अगर बेटा कहीं पर लिखा हुआ हो, कहीं पर लिखा हुआ हो बेटा, देखो CH3CH2CH2CH2OH ये लिखा हुआ हो बेटा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं उसका नामकरण कैसे करना है बेटा। देखो जो अगर फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, OH, तो उसको बोलते हैं IUPAC के बोलते हैं ऑल, मैंने लिखवाया है टेबल में देख लेना, ऑल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बेटा इसमें काउंटिंग हम इस प्रकार करते हैं, अगर किसी भी काबनिक यौगिक में अगर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो हम काउंटिंग इस प्रकार करते हैं कि हमारे क्रियात्मक समूह जिधर लगा है उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो बेटा यहाँ से काउंटिंग करने एक तो तरीका ये है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे बेटा कार्बनिक काउंटिंग कर रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये काउंटिंग हो गई, ये है गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 अंक मिल रहा है जहाँ पे हमारा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, समझ मारी बात, ठीक है। अच्छा जी इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, ये काउंटिंग हो गई, तो ये काउंटिंग हमारी सही मानी जाएगी। क्योंकि क्यों सही मानी जाएगी, हमारे क्रियात्मक समूह को यहाँ 1 नंबर मिल रहा है मात्र, ठीक है। तो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, ठीक है। अब बेटा लास्ट में क्या लगाना है, ऑल, ई हटाओ ऑल लगाओ, ब्यूटेनॉल इसका नाम हो गया, ब्यूटेनॉल। और कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, 1 लिखने को जरूरी है नहीं है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। अगर लिखा हुआ कहीं होता CH3CH2CH2OH, तो इसका नाम बेटा देखो इसे दो काउंटिंग करते, 1 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, इसी काउंटिंग कैसे करते हैं बेटा देखो, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, तो क्या प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई हटाओ ऑल जोड़ दो, ऑल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल इसका नाम हो गया, समझ में आ रहा है बेटा। लेकिन यहाँ पर कहीं साइड चेन के रूप में आ रहा है तो कैसे नाम लिखा जाएगा, देखो बेटा कहीं ऐसा लिखा हुआ हो CH3CH2CH3CH3 और OH ऐसा लगा हुआ है तो क्या होगा, है ना। तो दो तरीके हैं काउंटिंग करने के, पहला तरीका तो ये है 1 2 3 4, सबसे पहले देखते हैं 3 नंबर पे हमारा आ रहा है OH, ठीक है, एक काउंटिंग ये हो गई। तो दूसरी तरीके देखते हैं बेटा, देखो दूसरी काउंटिंग देखते हैं, 1 2 1 2 3 और 4, यहाँ पे जो हमारा क्रियात्मक समूह है तो कितने अंक मिल रहा है, 2, तो ये वाली काउंटिंग हमारी सही मानी जाएगी, ये वाली काउंटिंग गलत मानी जाएगी, समझ में आ रहा है बात, समझ में आई बेटा बात, ठीक है। तो देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन होता है, ठीक है, ई हटाओ ऑल जोड़ दो, ब्यूटेनॉल कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, ब्यूटेनॉल 2,
ठीक है, ब्यूटेनॉल टू, या सकते हैं टू ऑल ब्यूटेन, ऐसे भी सकते हो टू ऑल ब्यूटेन भी सकते हो, ये इसके नामकरण हो गया। ठीक है, यदि फंक्शनल ग्रुप में एक ही कार्बन एटम हो तो उसको एक अंक देकर अंकन वहीं से प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा इतना हो गया, इतना नोट कर लीजिए, करो बेटा तो नोट। उसका लास्ट पॉइंट देखेंगे, नोट लिखेंगे, नोट चवन्नी वाला, चवन्नी वाला नोट देखेंगे बेटा नोट। देखो बेटा नोट, नोट देखो नोट, मतलब कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको हम एक अंक दे करके वहीं से काउंटिंग प्रारंभ कर देते हैं। क्या है वो देखो बेटा, जैसे एग्जांपल से समझो इस चीज को बेटा, देखो जैसे CH3, CH2, CH2, COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम होता है ओइक एसिड। क्या नाम होता है बेटा इसका? IUPAC नाम होता है इसका, COOH का क्या नाम होता है? ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक, OIC, ओइक, ओइक। टेंशन नहीं लेनी है, सोचो सही कहाँ से याद करने हैं, यार सब मैं याद करा दूंगा ना, वीडियो देखो नोट करो बस याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते सब कुछ अपने आप। ठीक, इसका नाम क्या होता है बेटा? इस ग्रुप का नाम होता है ओइक एसिड। तो इस फंक्शनल ग्रुप में हम देख रहे हैं ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बन, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप का मतलब, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है बेटा? क्रियात्मक समूह। तो इस क्रियात्मक समूह में इसमें कार्बन है, ठीक है, अरे किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको हम एक नंबर देते हैं, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटेन, ये हटाओ, ओइक एसिड जोड़ दो, ब्यूटेन ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड हो गया। ठीक है, कहीं लिखा हुआ हो CH3, CH2, COOH, 1, 2, 3, ठीक है, काउंटिंग करनी है बेटा, कैसे करनी है बेटा, देखो 1, 2, 3, ठीक है, तो मेथ, एथ, प्रोप, प्रोपीन, प्रोपीन ये हटाओ, ओइक एसिड जोड़ दो, प्रोपेनोइक एसिड, समझना आया नाम कैसे लिखना है? ठीक है बेटा, अभी तो रूल चल रहे हैं, अभी बहुत सारे नाम कराने हैं आप लोगों के लिए, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और देखो एक आध नाम देखो बेटा, देखो CH3, CH2, CH, COOH, यहाँ पे CH3 ऐसा दिया हुआ है, तो बेटा तब क्या हम करते हैं, यहाँ से क्या करोगे तुम, 1, 2, 3, 4 ऐसे करोगे काउंटिंग, बताओ ये गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि हमने आपको एक स्पेशल बताई है बात, अगर किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन दिया है तो हम काउंटिंग वहीं से स्टार्ट कर देते हैं उसको नंबर एक दे करके, तो ये कैसा है बेटा, ये गलत है। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ से इसको एक नंबर देंगे, 1, 2, 3, 4, हम इधर को भी आ सकते थे, तो 1, 2, 3 तो छोटी चैन होती, 1, 2, 3, 4, चार बड़ी चैन हो गई, ये चैन आपकी सही है, ये चैन आपकी सही है, समझ में आई बात? तो बेटा देखो ये हो गया साइड चैन, ये क्या हो गया अब, साइड चैन, तो साइड चैन का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, क्या होगा, मैथिल, कितने नंबर पर, 2 मैथिल, ठीक है, मेथ ए, दो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, समझ में आया बेटा, बिल्कुल 2-methyl-butanoic acid, ठीक है। चलो ये तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ रूल बताए हैं, कल से मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे IUPAC नामकरण कराने वाला हूँ, और कल अपना IUPAC सिस्टम हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी कर दीजिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, बटन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार। हाँ ध्यान रखो, ये रूल बताएं अभी भले ही ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हो, कल बहुत सारे नाम कराएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा समझ में आएगा, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, चिंता मत करो, वीडियो अच्छी कर दीजिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय बेटा।